गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का एक्सपायरी आप लोग के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी हम मुद्दे की बात पे आते हैं। S&P 500, SXFT, इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट्स एंड लंडन मार्केट, राइट? तो सभी के सभी थोड़े ब्लीड कर रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, क्या क्या कारण रह सकता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिस तरीके से आपका पहला बैंक नहीं है US में जो कि बंद हुआ है, अब उस बैंक को खरीद लिया गया है JP Morgan की तरफ $10 million के अंदर, $10 billion, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो $10 billion में आपको उसको खरीदा गया ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल देखने को मिला। एक तो बैड न्यूज है, दूसरी बैड न्यूज ये है, अगर आपको कभी बैड न्यूज देखनी हो तो ट्रेडिंग economic.com की वेबसाइट पे जाइएगा। आपको हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग पहली वेबसाइट दिख रही होगी, trading.economic.com। यहाँ जाएंगे कैलेंडर्स पे, अगर आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको 3-star impact न्यूज देखनी है। 3-star impact न्यूज आज है 2 तारीख, 2 मई के अंदर में आपके पास में US के अंदर में जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है, और कल वही फेड के इंटरेस्ट रेट का डेटा आएगा 3 तारीख, मतलब वेनेसडे को शाम को, मतलब एक्सपायरी में भी जीने नहीं देंगे हमें इस एक्सपायरी में। और उसके बाद 4 तारीख थर्सडे को 12 बजे मॉर्निंग में ही, उसी में मतलब एक्सपायरी खुलने से पहले फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये लगा लीजिए एक अच्छा खासा बम फटने वाला है। बाकी अभी उसका बम का थोड़ा असर दिखा देता हूं, बम का असर क्या चल रहा है। अगर हम बात करें हमारे एजिक्स निफ्टी का, तो एजिक्स निफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल कहां खुलने वाली, 15 मिनट में आओ, मार्केट कल कहाँ क्लोज हुई थी, अपना मार्केट क्लोज हुआ था 1525 पे, एंड ऑन एन एवरेज उधर से आप खींचो इस तरीके से मेजरमेंट, तो लगभग कुल मिला के 83 पॉइंट्स के आसपास मार्केट की आपको डाउन साइड की ओपनिंग दे सकता, मतलब 83 पॉइंट्स। बट मैं इसको चार्ट को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली IND50 को ही फॉलो करता हूँ। IND50 से पता चलता है कि एक्चुअली मार्केट में कितना फॉल आने वाला है कल के दिन। तो ये जैसे कि आप देखते हो ना इंडिया US 30, US 100, ऐसे इंडिया का क्या है IND50। तो लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ तक ऑन एन एवरेज आप ये लगा लीजिए 86 पॉइंट का वॉल आपको देखने को मिलेगा, मतलब निफ्टी में नहीं तो नहीं, मरे से मरा भी अगर मैं यहाँ से लगा लूँ तो कल की क्लोजिंग 100 पॉइंट के बराबर भी उठा लेते हैं तो मार्केट खुलते ही अपना गैप फिल कर देगा। जो एक गैप पेंडिंग है ना दोस्त, ये गैप पेंडिंग फिल हो जाएगा 18,049। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बाकी उस वीडियो का क्लिप, छोटा सा क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जब आप देखना, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को, ये मत समझिए दोस्त कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो जाएगा इस फॉल के बाद, प्लीज मैं आपको आगे से बोल देता हूँ, बिकॉज इस चीज को नोटिस करिए, मार्केट पहले ऊपर गया फिर फॉल दिखाया उसने अच्छा खासा, फिर ऊपर गया फिर एक फॉल दिखाया उसने, ऊपर गया तो एक फॉल आएगा। इस फॉल को अब ये डिटरमाइन ना करें कि मार्केट यहाँ क्रैश होने वाला है, हो सकता है कल मार्केट इस तरीके से गिरे और गिरने के बाद में वहीं से उठकर कंसोलिडेट करने लग जाए फॉर अ वीक एंड देन मार्केट यहाँ से उठ जाए। तो मेरा व्यू अभी भी बुलिश रहेगा, आई एम नॉट बेयरिश हियर। अब जैसे क्यों, क्योंकि अगर आप पूरा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी जनरली जो सब लोग देखेंगे। अभी देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हो, बहुत तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ जाएंगे, पर प्लीज हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ मत देखिए। अब यहाँ अगर फॉल आता है तो आपको मार्केट कहाँ से उठ सकता है, यहाँ से उठेगा या मार्केट यहाँ से उठेगा, ये दो ही रीजन है मार्केट उठने के लिए। बट देखिए जो मैं सोचे चल रहा हूँ, जहाँ से मैं सोचता हूँ कि अगर मार्केट को यहाँ से उठना चाहिए तो 1 घंटे टाइम फ्रेम में ना, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम में ना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है, वो ये अगर मार्केट 17,776 की रेंज में आता है ना तो मैं रेडी हूँ बाय करने, मतलब इतना डीपर पुल बैक लेगा तो। क्यों, इधर से पुल बैक लेने का कारण ये है कि जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा होगा, देखो मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट ऊपर खड़े खड़े ऊपर नहीं जा सकते, वो हमेशा एक पुल बैक लेगी। अब देखो जिस तरीके का पुल बैक का मैं वेट कर रहा था, मैं चाह रहा था कि मार्केट खुलते गिरे, पर मार्केट ने तो खुलते गिराया नहीं, मार्केट खुलने के बजाय मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट गैप डाउन दे देगा, वो मोमेंटम खराब कर देगा। तो अक्सर क्या होता है, जब भी मार्केट ऐसे बुल रन में चल रहा होता है ना, तो मार्केट एक दिन बुलिश रन बेरिश रन बहुत तगड़ा देता है। जैसे देखो ये बुल रन में चलता रहेगा और एक दिन पूरा दिन गिर जाएगा, पर ये जो गिरने वाले पॉइंट्स होते हैं ना या उठने वाले पॉइंट्स होते हैं ना सिंगल डे में, वो कहीं ना कहीं आपको खराब कर देते हैं। उसके पीछे रीजन भी बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि आप लोग क्या अब इस तरीके से ट्रेंड लाइन्स ढूंढ रहे हो, ये ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट ने रिटेस्ट दे दिया, अभी कोई वैलिड नहीं, ऐसे मत ढूंढो। अगर पैसा बनाना है ना तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग करने के लिए दिस इज योर फर्स्ट लेग, दिस इज सेकेंड लेग एंड थर्ड लेग, लाइक दिस।
आपका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, एडमायर कर लिया, यहाँ रिटेस्ट हो गया, मान लो ये रिटेस्ट है। मैं यहाँ रिटेस्ट नहीं मान रहा, मैं 17800 के नीचे आएगा, मैंने पहले भी बोला है अगर मार्केट 17800 के नीचे आए तो एक पुल बैक मान लेना, इस तरीके से पुल बैक है, उसके बाद में एक अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये मान के मत चलो कि यार आपका ट्रेड कल का क्या रहेगा। कल की एक फेमस स्ट्रेटेजी, जब भी मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए तो गैप फिल करेगा, और गैप अप खुल जाए तो गैप फिल करेगा डाउन, मतलब किसी भी हालत में गैप फिल करना ही करना है उसको। मतलब जैसे वेनसडे की स्ट्रेटेजी याद रखना, जो भी पहली बार देख रहा है वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। और उधर एक और चीज, जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं पता है, वेनसडे को टेस्ट कर लेना, जब जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो पूरा गैप फिल कर देता है, सेम डे गैप फिल करता है, 10 में से 8 बार करता है। जब भी गैप अप खुलेगा तो भी वो गैप फिल करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ, कि जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा, वो अपना गैप फिल पक्का पक्का करेगा। अभी ट्यूजडे, ये वेनसडे, देखिए वेनसडे को अभी इसमें तो कॉस्ट पे खुला है। अब लास्ट वेनसडे देख लेते हैं, लास्ट वेनसडे भी कॉस्ट पे खुला है मार्केट। थर्सडे, वेनसडे, ये वेनसडे वाला दिन है कि पहले खुला ही गैप अप, गैप अप देख सकते हो, गैप अप खुलते उसने कॉस्ट पूरा करती है। तो गैप अप अगर मार्केट हो रहा है, जैसे देखो ये वेनसडे गैप अप खुला, ट्यूजडे से वेनसडे गैप अप खुला इतना ऊपर, और पूरा गैप फिल किया, फिर ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया है, तो मार्केट अगले दिन यहाँ खुले और थोड़ा वेट करे, और उसके बाद में, क्योंकि देखो आप ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर के, कि मार्केट में ना आपका एक गैप एंडिंग है जो कि कल फिल नहीं हुआ था, मतलब आज फिल नहीं हुआ था, तो ये गैप फिल नहीं हुआ। और देखो ये बहुत स्ट्रांग कैंडल, आई रिपीट, ये इतनी स्ट्रांग कैंडल है, मार्केट इस हफ्ते के अंदर में 18,000 के नीचे आना बड़ा मुश्किल। देखो आ जाए वो बात अलग है, यार कल ही आ जाए कह नहीं सकते, बट मुश्किल है। तो मेरे अकॉर्डिंग, फ्रॉम माय अकॉर्डिंग, अभी के टाइम पे तो मार्केट के अंदर में एक तगड़े वाला फॉल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, हर इंडेक्स पे। S&P 500 तो बर्बाद सा हो गया बेचारा, ठीक है ना, क्योंकि कल फेड की रिपोर्ट भी आने वाली है, तो और भी पहले ही कार्य देखिए, जो फॉल आपको देखने को मिल रहा है ना S&P 500 में, अगर वो फॉल की अगर रिपोर्ट आ भी जाते हैं तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही फॉल दे दिया इसने। पहले जो बुल रन गया था ना, याद रखना, ये बुल रन सिर्फ ट्रैप करने के लिए गया था लोगों को, जानबूझ के पहले नीचे के स्टॉप लॉस का है, फिर ऊपर के स्टॉप लॉस का है, फिर अंदर आ गया, और अभी यहाँ कंसोलिडेट करके फिर एक ट्रेंड बनाएगा। अब इसके बाद जो S&P 500 मेरे फ्रेंड्स ट्रेड करते हैं, तो अब ट्रेड करना 40 आज देखो इस ट्रेड के अंदर में ध्यान रखना, ये एक पैटर्न है, जब भी मार्केट दो बार स्टॉप लॉस यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली है, अब की बार जहां भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा ना, तो मान लो नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा डाउन साइड के लिए, एटलीस्ट इधर का स्टॉप लॉस रख के 1:2, और मान लो इधर आकर भी ऊपर कट जाता है तो फिर यहीं का स्टॉप लॉस रख के 1:3, 1:2 का टारगेट। ये तो रहा कुल मिला के निफ्टी का पार्ट। अब बैंक निफ्टी की बात करें, देखो जनरली क्या होता है ना, बैंक निफ्टी भी एक मेजर कॉन्सेप्ट है। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि अब जैसे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कुल मिलाकर इसी पैटर्न पे चल रहा है। आपको लग रहा है भाई मार्केट बुलिश हो गया, बेरिश हो गया, तो ये मार्केट में अगर ये फॉल आएगा ना, इस फॉल को प्लीज ये मत सोचिए कि यार मार्केट में ना देखो ये हाई राइज बन रहे हैं, अब मार्केट इस लो के नीचे चला जाएगा, आपको लगे अरे मार्केट तो ट्रेंड बुलिश बेरिश हो गया, ओहो क्या करें। अब मार्केट नहीं, देखो मार्केट को ना ऊपर जाना है तो मार्केट ही दो स्टॉप लॉस को लेके जाएगा। अब मैं आपको पूरा चीट कोड बता दूं मार्केट कर क्या सकता है। मार्केट इस तरीके से जाएगा, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द मार्केट, मार्केट नीचे आया देन ऊपर गया, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द मार्केट, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, देयर इज नो स्ट्रेंथ। देखो मार्केट ऊपर जाते अंदर आ, देखो ऊपर गया इमीडिएटली अंदर आ गया, ऊपर गया इमीडिएटली अंदर आ गया, देयर इज नो स्ट्रेंथ, तो एक झटके से गिरेगा। दीज ऑल स्टॉप लॉस आर टेकिंग बाय द मार्केट एंड देन मार्केट धीरे धीरे पुल बैक लेगा, पुल बैक लेगा, आपको लगेगा मार्केट अभी गिरेगा इस ऑर्डर ब्लॉक से या पर्टिकुलर रेसिस्टेंस से। मार्केट ऐसे फॉल भी दिखाता है, आपको बिठाता है, फिर रिटेस्ट देता है, फिर दिखाता है, फिर इस तरीके से मार्केट करके ऊपर चला जाता है, और देन मार्केट वापस लौट करके इसी पैटर्न पे वापस आता है और फिर यहाँ से बुक करता है। तुम खुद देख लेना, अगर ये स्ट्रीम का टाइम देख लो, 8:30 बजे 2 तारीख का ट्यूजडे बना रहा हूँ, ठीक है, जय बजरंगबली महाराज की जय हो। मार्केट इस तरीके का पैटर्न आपको बनाएगा, तुम खुद देख लेना, मार्केट इस तरीके से चल रहा है ना, मार्केट विल टेक ऑल देयर स्टॉप लॉस, मार्केट विल एज मच एज पॉसिबल स्टॉप लॉस लेगा, देन मार्केट ऊपर जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इस जगह पे, देन मार्केट नीचे आया, देन मार्केट टेक अ वेरी हाई पोजिशन, मार्केट हाई ले लेगा यहाँ से, यहाँ जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे सबको ले लिया उसने, क्योंकि पहले वो गया सारे नीचे के स्टॉप लॉस उठा करके, जितने भी नीचे स्टॉप लॉस पड़े थे वो सारे उठा लिए उसने, और स्टॉप लॉस ले लिए तो मतलब अब उसके लिए क्या है, अब कोई बायर बैठा ही नहीं है बाय करने, तो अब सेलर ही बैठे, अब सेलर की एंट्री, अब सेलर बैठे हैं तो बायर कोई तो होना चाहिए ना, तो बड़ा आदमी यही पैसा बनाता है, और उसके बाद में फिर वो वापस फॉल देगा इधर तक, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन तक, और फिर वो यहाँ इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आएगा,
एंड देन टेक अप। अब मैं आपको एक लाइव लाइव ट्रेड दिखा देता हूँ इसी के ऊपर, एक सेम ट्रेड है, आज बैंक निफ्टी भी बना था, अगर आपने देखा होगा। ये देखिए मार्केट ने करा क्या, अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट में आप ये चीज़ें समझ पाएंगे, यही चीज़ें आपको एक ट्रेडर बना सकती है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट को पता था मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो मार्केट ने पहले नीचे फॉल दिया, इस पर्टिकुलर फॉल दिया, इस फॉल के अंदर में मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड का मोमेंटम ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से। अब पहले आप लोगों को क्या दिखाया, पहले आपको इस पॉइंट पे दिखाया कि मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दे दिया, आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस सबका यहां पड़ा हुआ, सबका स्टॉप लॉस लेके इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठ गया, उठा, उठने के बाद में मार्केट ने क्या किया, सबको गलत वो कर दिया, मार्केट ने ऊपर बकायदा कैंडल क्लोज कर दी, क्लोज करने के बाद में यहाँ मार्केट में नीचे आया। अब लोगों को लगा भाई डबल टॉप बन गया यहाँ, लाइक डबल टॉप बन गया, अब मार्केट को और भी मजा नहीं आया तो मार्केट ने क्या किया, और भी स्टॉप लॉस ले लिया। बट एक चीज नोटिस करना, इन दोनों चीज में बहुत खासियत है, इन तीनों केस के अंदर में ना पहली वाली में कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मतलब स्ट्रेंथ अभी भी थी, और ऊपर वाली कैंडल में ना क्लोजिंग नहीं दिया तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, देखो ध्यान से देखो जो भी मैंने पढ़ाया आपको, मार्केट ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, मतलब मार्केट भी नीचे के सारे स्टॉप लॉस लेके जाएगा सो दैट उसे और भी ऊपर जाना। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज कर दिया, दैट इज अ ट्रेंड चेंजिंग कैंडल जिसे हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, एंड देन मार्केट ने ऊपर आकर के एक ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट मार दिया, जस्ट टेकन वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और इस बार जो ये ऊपर आ रहा है ना वो बहुत धीरे धीरे हाई रिस्क पे आ रहा है। अब इस जगह पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक शॉर्ट पोजिशन फ्रॉम हेयर, राइट, यहाँ आपको रखा होगा, और जैसे मैंने ट्रेड भी दिया था एग्जैक्ट ये टारगेट क्यों रखा था, मुझे पता है कि हर एक बंदे का टारगेट ये और ये रहेगा, तो हमको हमेशा इस दोनों के बीच का टारगेट रखना होता है। तो ये क्या है, बीच का टारगेट आप मार्क कर लो, आप यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्ट बीच का टारगेट आपको यही मिलेगा, और एग्जैक्ट हमने यही निकाल दिया था। आप जितने भी लोग अभी तक नए जुड़ रहे हो ना, तो एक बार ना ये होने देखो, मार्केट बंद होने के बाद ना हर तीसरा आदमी शेयर होता है, ये मैं मानता हूँ, राइट, हम भी शेयर है मार्केट बंद होने के बाद में, बट एक बार हमारी लाइव स्ट्रीम जरूर देख लेना सो देट आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे नहीं, सो देट आपको पता रहेगा कि हाँ ये रियल में ट्रेड बनते नहीं बनते। फिर मार्केट ने और भी अच्छी चीज करी, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट को आपको क्या लगा, भाई मार्केट ऊपर चला गया, बट किसी नोटिस ही नहीं किया कि मार्केट ने इस जगह की ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट जस्ट ब्रेकआउट इमीडिएटली अंदर, ब्रेकआउट इमीडिएटली अंदर। अब मार्केट को और स्टॉप लॉस चाहिए तो मार्केट ने और ऊपर के स्टॉप लॉस खाए और लास्ट में उसने फॉल दिया इस पर्टिकुलर एरिया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सच में पैसा कमाना है इस मार्केट से, तो आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग से चलना पड़ेगा और लॉजिकल थिंकिंग के साथ में, कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो किस तरीके से आप एनालाइज करोगे और किस तरीके से आप नहीं करने वाले। तो कल का मार्केट आपके लिए हो सकता है कि देखो ये जो बड़ा सा, जब भी कोई बड़ा कैंडल हो ना, हमेशा देना मार्केट उसे कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे देखो, जैसे ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल बहुत ही बड़ा कैंडल है, ये है 150 पॉइंट का, इस पॉइंट को कवर करने में ना मार्केट को काफी टाइम लगेगा, मार्केट कवर करेगी पूरा 250 और फिर उतर। तो ऐसे ही आप ये लगा लो 43,000 से लेकर के 43,200, इस पर्टिकुलर 150 पॉइंट को मार्केट को कवर करने में बहुत डेफिनेट बहुत मुश्किल होने वाली है इस वीक में। तो मतलब मार्केट 43,500 और 43,000 के बीच में मार्केट ट्रेड कर सकता है इस वीक में। बाकी मैं आपको सजेशन दूंगा, ज्यादा बड़े सपने मत देखना, मार्केट क्रैश हो गया ऐसा मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ मार्केट में कोई क्रैश न्यूज नहीं आने वाली है। कुछ ऐसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी अपना व्यू बुलिश रखना, मार्केट का इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जब तक दोस्त मार्केट 42,000 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, जब तक आपका पूरा ट्रेंड बुलिश रहेगा, सिर्फ मार्केट ये सारे स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आएगा और एक मैक्सिमम टारगेट देगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है आप हमेशा 0.2 लेवल से, जब तक मार्केट 42,400 पे आया तो आपको एक एंट्री बनानी, अदरवाइज आप बुलिश रहो, बेरिश पे मत आओ। दुनिया आपको, जनता चार दिन पहले जनता कह रही थी यूट्यूब के ऊपर, बड़े बड़े गुरु बोल रहे थे मार्केट क्रैश होने वाला है, क्रैश, जो मैंने बोला अब कल मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो गया, तो लोग बोलेंगे कि हमने तो कहा था क्रैश होने वाला है। देखिए ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में चलो, लॉजिकल पॉइंट्स के साथ में, कोई लॉजिकल पॉइंट तो हो भाई, किस बात के लिए गिरेगा भाई वो। अब देखो, अब उनके पास में क्या, मार्केट ऊपर वाले सारे स्टॉप लॉस लेके गए, आज वही लोग बाय करवा रहे थे आपको जो चार दिन पहले सेल कर रहे थे, बिकॉज वो एजुकेशन पर्पज ट्रेडिंग थी। आज गिर जाएगा, सडन न्यूज आ गई, सडन भैया चार्ट ऑलरेडी सब बता देता है। अगर मार्केट कंटिन्यू करना हो तो ना आज भी मार्केट कंटिन्यू करता, मार्केट ने एक हॉल्ट लिया, हॉल्ट का मतलब एक पोजीशन लिया,
प्रॉफिट अच्छा बनाया एक होल्ड कर दिया, इसका मतलब समझते हो मार्केट अब और ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि मार्केट को नीचे के पड़े हुए, तो कुछ कुछ लॉन्ग पोजीशन वालों को लिक्विडेट करना है, मतलब जीरो करना है एंड देन मार्केट। तो मार्केट चलता हमेशा ऐसे है दोस्त, आप ये लगा लो, खुद अपने आप को देखो, जब ये बुल रन स्टार्ट हुआ था ना, हर एक तीसरा आदमी एवरी हाइस पे शॉर्ट कर रहा है और अभी भी शॉर्ट कर रहा है, वो थोड़ा प्रॉफिट कमा लेगा फिर वही प्रॉफिट आप अगली रैली में कमा दोगे। जब भी रैली स्टार्ट होती है ना, हमेशा स्टार्ट आप ट्राई कर रहे हो कि रेजिस्टेंस ढूंढो, बस रेजिस्टेंस मिल जाए क्योंकि सपोर्ट पे किसी को बाय करना नहीं। मैंने आपको आगे से बता दिया 18,000 का जो ये वाला कैंडल थोड़ा टूटना मुश्किल है, अगर टूट जाए तो थोड़ा सा अगर आपको 17,800 पे टेंशन मत लो, 17,800 आराम से मिलेगा वो चीज़ है। बाकी मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझाने का, अगर आपको इस वीडियो से कोई आउटपुट मिला हो और आप चाहते हो डेली ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, देखो कुछ अच्छी चीज़ हो मैं बताने के लिए जब तो लाऊँ, अब डेली की डेली बता दो ये लेवल अच्छा है, इस पे हुआ है अच्छा ही है, तो मज़ा नहीं आता। तो वही चीज़ है, अगर आपको कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ अच्छी अच्छी चीज़ चाहिए तो मेरे को डेफिनेटली बताओ कमेंट सेक्शन में, और मेरे को बताओ कि कैसा चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बाकी इन्जॉय करें, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं मार्केट के अंदर में, बाय बाय।